मेरा मन स्वदेशी, मेरा तन स्वदेशी। चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। मेरा वे कफन स्वदेशी। मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। सभा में उपस्थित सभी सम्माननीय नागरिक बंधुओं, सभी सम्माननीय माताओं बहनों, भारत स्वाभिमान के सभी स्थानीय पदाधिकारी, मैं आप सबका बहुत आभारी हूं। आप यहां उपस्थित हैं, मुझे आपसे भारत स्वाभिमान के विषय में संवाद करने का मौका मिल रहा है। परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी ने भारत स्वाभिमान का अभियान शुरू किया पिछले 5 जनवरी 2009 को। ये अभियान प्रारंभ हुआ हरिद्वार नाम के नगर से। अब भारत के लगभग 680 जिलों तक यह अभियान पहुंच गया। इस अभियान में लगभग 2,40,000 योग शिक्षक रात दिन काम कर रहे हैं तन मन धन से, और 10,000 पदाधिकारी हैं जो सारे देश में लगे हुए। अगले 2 वर्षों में इस अभियान में करीब 11 लाख योग शिक्षक और जुड़ने वाले हैं, और करीब पूरे भारत के 5 करोड़ लोगों को हम इस अभियान का मेंबर बनाने वाले हैं। आखिर ये जो अभियान हम चला रहे हैं, आपके मन में प्रश्न आएगा, तो इसका उद्देश्य क्या? भारत के 5 करोड़ लोगों को मेंबर बनाना, ये बहुत बड़ा संगठन, 13,40,000 योग शिक्षकों को गांव-गांव भेजना, इतना बड़ा संगठन किसके लिए कर रहे हैं? हमारे अभियान के 2 उद्देश्य हैं जिसकी पूर्ति करने के लिए ये काम हम कर रहे हैं। पहला उद्देश्य है भारत के हर नागरिक को स्वस्थ बनाना, निरोगी बनाना, रोग मुक्त बनाना, और दूसरा उद्देश्य है भारत देश को स्वस्थ बनाना, निरोगी बनाना, रोग मुक्त बनाना। भारत के नागरिकों को स्वस्थ बनाना है क्योंकि भारत देश में इस समय बीमारियां बहुत तेजी से फैल रही हैं। हर आदमी इस देश में किसी न किसी गंभीर बीमारी का शिकार है। अपने भारत देश में 120 करोड़ की लोकसंख्या है, और 120 कोटी की लोकसंख्या में 77 कोटी नागरिक गंभीर रोगों के शिकार। भारत देश में करीब 5 कोटी 70 लाख नागरिकों को डायबिटीज नाम का रोग है, 4 कोटी 50 लाख नागरिकों को हृदय का रोग है, हार्ट की प्रॉब्लम्स है, 12 कोटी नागरिकों को आंखों का रोग है, 14 कोटी नागरिकों को लंग्स इन्फेक्शन है, दमा है, अस्थमा है, ब्रोंकियल अस्थमा है, 17 कोटी नागरिकों को संधिवात है, जॉइंट्स पेन जिसको हम कहते हैं, अर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, गाउट, करीब 20 कोटी नागरिकों को हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर जिसको आप कहते हैं, 8 कोटी नागरिकों को कैंसर है अपने देश में, जिसमें से 24 लाख लोग हर साल मर जाते हैं, और ऐसे गंभीर रोग 77 कोटी नागरिकों को है। अब समस्या क्या है कि 77 कोटी नागरिकों को जो गंभीर बीमारियां हैं, इनका इलाज करने के लिए भारत सरकार के पास पैसे नहीं है। हमारे देश की सरकार हर साल बजट बनाती है, और एक साल का जो बजट बनता है उसमें से चिकित्सा और स्वास्थ्य के लिए जो खर्च होता है वो करीब 23,700 कोटी रुपए है, और 23,700 कोटी रुपए में 77 कोटी नागरिकों का इलाज नहीं हो पाता। आप पूछेंगे कारण क्या है? उसका सबसे बड़ा कारण है कि जो खर्चा होता है पैसा, उसमें से करीब 80% हमारे जो चिकित्सक हैं, जो डॉक्टर हैं, जो हॉस्पिटल का स्टाफ है, उसकी सैलरी देने में ही चला जाता है 80%। सिर्फ 20% बचता है जो लोगों की दवाओं पर और उनकी चिकित्सा पर खर्च होता है, और जो 20% बचता है वो करीब 3,700 कोटी रुपए है। अब 77 कोटी मरीजों पर 3,700 कोटी का खर्च अगर एक साल में होता है,
तो उसका मैंने कैलकुलेशन किया तो मुश्किल से एक व्यक्ति के इलाज पर 35 से 40 रुपए का खर्च आता है। अब इतने कम पैसे में किसी भी व्यक्ति का इलाज नहीं हो सकता। अगर हम चाहें तो 35 से 40 रुपए में तो सर्दी जुकाम भी ठीक नहीं हो सकता, कैंसर तो सवाल ही नहीं उठता ठीक होने का, डायबिटीज, अर्थराइटिस, हाइपरटेंशन, ये तो सवाल ही नहीं है। तो भारत सरकार के पास तो पैसे नहीं है इलाज करने के, और हमारे देश में फिर परिणाम ये होता है कि नागरिकों को अपने इलाज पर खुद पैसे खर्च करने पड़ते हैं, जिसको हम प्राइवेट एक्सपेंडिचर कहते हैं, और ये खर्चे हर साल करीब 7 लाख कोटी रुपए के होते हैं। भारत के नागरिक अपने इलाज पर, अपनी चिकित्सा पर साल में करीब 7 लाख कोटी रुपए खर्च करते हैं, और ये जो खर्च हम करते हैं इसके लिए बहुत सारे लोगों को कर्ज लेना पड़ता है, घर बेचना पड़ता है, अपनी संपत्ति बेचनी पड़ती है, घर में जो सोने चांदी के आभूषण दागीने होते हैं वो बेचने पड़ते हैं, तब जाकर लोग अपना इलाज करवा पाते हैं। और सबसे गंभीर बात यह है कि आप जिस इलाज में लाखों कोटी रुपए खर्च करते हैं उस इलाज में कभी भी आपको परमानेंट रिलीफ नहीं मिलता। जैसे हाइपरटेंशन का हम इलाज करें तो उसमें जब तक आप मेडिसिन खाएंगे तब तक तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल होगा, जैसे ही मेडिसिन खाना बंद कर देंगे बीपी फिर बढ़ जाएगा। अर्थराइटिस है अगर आपको, तो जब तक आप दवा खाएंगे आपको दर्द कम होगा, लेकिन जैसे ही दवा आप बंद करेंगे, मेडिसिन बंद करेंगे, दर्द फिर शुरू हो जाएगा। इसी तरह से किसी भी बीमारी में आप अगर देखेंगे तो मेडिसिन जब तक हम ले रहे हैं तभी तक रिलीफ होता है, मेडिसिन बंद करते ही रिलीफ बंद हो जाता है, फिर से परेशानी आ जाती है, कोई परमानेंट रिलीफ हम नहीं ले पाते। कई बार तो हम ऑपरेशन कराते हैं, जैसे एंजियोप्लास्टी हम कराएं, हर्ट की कोई प्रॉब्लम हो, ब्लॉकेज है आपको हर्ट में, आपने एंजियोप्लास्टी कराया, तो एंजियोप्लास्टी से इस बात की कोई गारंटी नहीं मिलती कि आपको हार्ट अटैक नहीं आएगा। आप सवेरे एंजियोप्लास्टी कराइए, शाम को फिर से अटैक आ जाता है, दूसरे दिन कराइए, तीसरे दिन अटैक आ जाता है। कोई भी डॉक्टर को आप ये कहें कि एंजियोप्लास्टी करने वाले डॉक्टर को आप कहें कि कोई गारंटी दे सकते हो, तो वो कहेगा गारंटी तो कुछ नहीं। ऐसी गंभीर समस्या अपने पूरे भारत देश में है। ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? हम जब इलाज करा रहे हैं परमानेंट रिलीफ हमें नहीं मिल रहा है, सरकार के पास पैसे नहीं है इलाज कराने के लिए, डॉक्टर्स जितने चाहिए उतने हमारे देश में है नहीं, हॉस्पिटल बहुत कम है, सारे भारत देश में इस समय चिकित्सा करने वाले डॉक्टर्स कुल मिलाकर 18 लाख हैं, जबकि मरीजों की संख्या 77 कोटी, कभी भी वो इलाज नहीं कर सकते मरीजों का। तो ऐसी स्थिति में एक ही उपाय है, हर व्यक्ति अगर स्वस्थ रहना चाहता है, निरोगी होना चाहता है, तो एकमात्र उपाय है कि हर व्यक्ति अपनी चिकित्सा खुद करे, अपना इलाज खुद करे। आप बोलेंगे ये कैसे संभव है? हर व्यक्ति अगर अपना इलाज खुद करे, उसका एक रास्ता है कि वो योग और प्राणायाम सीखे और अपनी बीमारियों को ठीक करने के लिए उसका अभ्यास करे। योग और प्राणायाम एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जो सारी दुनिया में अनोखी है, यूनिक है, और इस चिकित्सा पद्धति का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई खर्चा नहीं है, कभी भी कोई भी कहीं भी इसको कर सकता है, करोड़पति है या रोडपति है, सभी मिलकर योग प्राणायाम कर सकते हैं। हमने पिछले 10 साल में जो रिसर्च किया वो ये है कि योग और प्राणायाम करके आप अपनी हर बीमारी को परमानेंट क्योर कर सकते हैं, हमेशा के लिए ठीक कर सकते हैं। जैसे आपको हाई बीपी है, आप योग प्राणायाम करिए, 15 से 20 दिन में बीपी नॉर्मल हो जाएगा और 2-3 महीने के बाद बीपी एकदम के लिए ठीक हो जाएगा, फिर आपको कोई मेडिसिन खाने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप डायबिटिक हैं, आपको डायबिटीज़ है, आप नियमित रूप से प्राणायाम करिए, 3 से 4 महीने में आपकी शुगर नॉर्मल हो जाएगी, फिर उसके बाद आप नियमित प्राणायाम करते रहें और हर दिन 250 ग्राम भी मिठाई खा लें,
तो भी आपकी शुगर नहीं बढ़ेगी, प्राणायाम में इतनी शक्ति है। आपका दमा, आपका अस्थमा, आपका ब्रोंकियल अस्थमा, आपका ट्यूबरकुलोसिस, सभी बीमारी आराम से ठीक होती है। अभी तो जो बहुत गंभीर माने जाने वाली बीमारी है जैसे ब्रेन ट्यूमर, ये तो जल्दी ठीक नहीं होता, लेकिन प्राणायाम से ब्रेन ट्यूमर भी ठीक हो जाता। माताओं को, बहनों को जो यूट्रस में ट्यूमर होता है वो भी प्राणायाम से खत्म हो जाता है। ब्रेस्ट का ट्यूमर भी बड़े आराम से डिसॉल्व हो जाता है प्राणायाम की ताकत से। अस्थमा, दमा, ब्रोंकियल अस्थमा बहुत अच्छे से ठीक होता है प्राणायाम से। हमने देखा 140 डिसीज, 140 बीमारियां प्राणायाम से परमानेंट समाप्त होती है, हमेशा के लिए क्योर होती है। सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, टॉन्सिलाइटिस, हाइपरथायराइडिज्म, हाइपोथायराइडिज्म, ये सब बीमारियां आसानी से ठीक होती है। इसलिए परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी ने भारत में जगह जगह जाकर योग शिविर लगाना, प्राणायाम कब सिखाना शुरू किया, पिछले कई वर्षों से लगातार वो सिखा रहे हैं, करोड़ों लोगों को इसमें लाभ हुआ है। आप भी अगर ये प्राणायाम सीखेंगे तो आपको भी लाभ होने वाला है। इस पुणे नगर में हमारी प्राणायाम की कई कक्षाएं लगती हैं, आप किसी भी कक्षा में ज्वाइन कर सकते हैं और आप सीख सकते हैं। हमारी किसी भी कक्षा में किसी तरह का शुल्क नहीं लगता, कोई हम फीस नहीं लेते, हम सबको निःशुल्क सिखाते हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि ये सेवा का कार्य है, इसमें बिजनेस और कॉमर्स नहीं होना चाहिए। सेवा का कार्य सेवा के लिए होना चाहिए, वो धंधे के लिए, व्यापार के लिए नहीं होना चाहिए। इसलिए हमने सारे देश में योग की, प्राणायाम की निःशुल्क कक्षाएं लगाना शुरू किया है। इस समय हर दिन हमारी 1,00,000 से ज़्यादा योग कक्षाएँ भारत में लगती और 2,40,000 योग शिक्षक हमारे इन योग कक्षाओं में नियमित योग सिखाते हैं। पुणे में भी हमारी कक्षाएं लगती हैं, आप उनमें आइए, 2 घंटे सुबह का समय दीजिए, आप सीखिए, घर में उसका अभ्यास करिए और आप आराम से अपनी हर बीमारी को ठीक कर सकते हैं। अगर 2 प्राणायाम भी आप नियमित रूप से करें, कपालभाति और अनुलोम विलोम, तो बहुत आराम से आप अपनी बहुत सारी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। वैसे तो 7 प्राणायाम का पूरा कोर्स है, लेकिन 2 भी आप कर सकें, कपालभाति अनुलोम विलोम, 15 मिनट कपालभाति, 15 मिनट अनुलोम विलोम सुबह और शाम, तो आप सभी तरह की डिसीज को आराम से ठीक कर सकते हैं हमेशा के लिए। तो मैं आपसे पहली तो ये बात कहने आया कि आप प्राणायाम करें, योग करें और अपनी सभी बीमारियों को ठीक करें। दूसरी एक बात आपसे मुझे शेयर करनी है, वो ये कि अपनी बीमारियों को ठीक करने के लिए आप जो अक्सर एलोपैथिक मेडिसिन खाते हैं, इन मेडिसिन को आप कम से कम खाएं या बिल्कुल ना खाएं। आप बोलेंगे क्यों? जिन एलोपैथिक मेडिसिन को आप अपने जीवन में उपयोग करते हैं वो जहर है, और आपको मालूम नहीं है कि भारत में जो एलोपैथिक मेडिसिन बिक रही हैं वो दुनिया के किसी भी अमीर देश में नहीं बिकती। जो मेडिसिन अमेरिका में बैन है, जर्मनी में बैन है, कनाडा में बैन है, इंग्लैंड में, स्कॉटलैंड में, आयरलैंड में बैन है, जो मेडिसिन फ्रांस में, डेनमार्क में, नॉर्वे में बैन है, बेल्जियम में बैन है, वो भारत में बिक रही है। जैसे मैं आपको एक नाम लेके बताता हूँ, अक्सर आपको बुखार आता है तो आपको एक मेडिसिन डॉक्टर खिलाता है, उसका नाम है वोवेरॉन। ये वोवेरॉन नाम की टैबलेट इंजेक्शन फॉर्म में या तो आपको डॉक्टर देगा या टैबलेट फॉर्म में देगा, ये दोनों ही इंजेक्शन और टैबलेट दुनिया के देशों में 20 साल से बंद है, 50 से ज़्यादा देशों में वोवेरॉन बैन है। अमेरिका में वोवेरॉन नहीं बिकता, जर्मनी में नहीं बिकता, फ्रांस में नहीं बिकता, किसी देश में नहीं बिकता। आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि वोवेरॉन जो है ना, इतना खतरनाक मेडिसिन है कि दोनों किडनी आपके फेल हो जाए। अगर एक दिन में आपको 4 डोज दे दिया वोवेरॉन का तो 100% आप जानिए आपका किडनी फेल हो जाए। भारत में लाखों लोगों की किडनी फेल हो चुकी है वोवेरॉन के कारण। वोवेरॉन से भी ज्यादा खतरनाक एक मेडिसिन है, उसका नाम है पैरासीटामोल। ये पैरासीटामोल अक्सर डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं जब आपको बुखार आता है। आपको सुनकर हैरानी होगी, दुनिया के 56 कंट्रीज में, 56 देशों में
पैरासीटामोल बैन हो चुका है 40 साल पहले, नहीं बिकता ये मेडिसिन। अमेरिका और यूरोप में तो पैरासीटामोल को अगर कोई डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे तो उसको जेल हो जाती है और उसकी डिग्री छीन ले जाती है। ऐसी एक मेडिसिन है, उसका नाम है क्विलोक्विनोल। ये क्विलोक्विनोल आपको अक्सर दी जाती है जब आप डायरिया या डिसेंट्री की बीमारी से ग्रसित होते हैं। अक्सर डॉक्टर आपको क्विलोक्विनोल खिलाएगा और इससे सबसे ज़्यादा डैमेज होता है हमारी इंटेस्टाइन में। क्विलोक्विनोल क्या करता है, अंतड़ियों में इंटेस्टाइन में घाव कर देता है, वो फिर अल्सर हो जाता है, फिर बाद में पेप्टिक अल्सर हो जाता है, फिर धीरे धीरे वो कैंसर में बदल जाता है और एक दिन आदमी मर जाता है। बहुत कम भारतवासियों को ये मालूम है कि इंटेस्टाइन का जो कैंसर होता है हमारे देश में सबसे ज्यादा लोगों को, वो क्विलोक्विनोल के साइड इफेक्ट से होता है। ऐसे ही हमारे देश में बहुत सारी दवाएं हैं, एनाल्जिन है, नोवाल्जिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, टेरामाइसिन है, बैरालगन है, बूटाजोन है, ऑक्सीफिन बूटाजोन है, एस्पिरिन है, डिस्पिरिन है, क्लोरमफेनिकॉल है, ये सब जहरीली दवाएं हैं, बंद हो चुकी हैं। हम इनको गलती से खा रहे हैं और बहुत ज़्यादा डिसीज़ हमको साइड इफ़ेक्ट के रूप में हो रही है। आपको एक दुख होगा ये बात जानकर कि भारत में इस समय 84,000 दवाएं ऐसी बिक रही हैं जो जहर हैं, 84,000। आपके मन में प्रश्न आएगा कि ये जहर दवाएं क्यों बिकती हैं हमारे देश में। इसका बहुत बड़ा कारण है करप्शन। हमारे देश में क्या होता है कि जो मिनिस्टर्स हैं और जो हमारे ऑफिसर्स हैं, इनको रिश्वत खिलाकर, घूस देकर कोई भी दवा कंपनी लाइसेंस ले लेती है, और जब दवा कंपनी को लाइसेंस मिल जाता है तो वो कुछ भी जहर बनाकर बेचना शुरू कर देते हैं। और फिर जो ड्रग इंस्पेक्टर्स होते हैं, उनका काम है कि जहरीली दवाओं के सैंपल भरना और उनको बंद कराना। ड्रग इंस्पेक्टर्स को घूस देते हैं, रिश्वत देते हैं और धड़ल्ले से वो दवाएं बाजार में बिकती। और कई बार तो देखा गया है कि डॉक्टर्स ऐसी दवाओं का प्रिस्क्रिप्शन इसलिए लिखते हैं कि डॉक्टर्स को कमीशन मिलता है वो दवाओं को प्रिस्क्राइब कर। अब मिनिस्टर को कमीशन, ऑफिसर्स को कमीशन, डॉक्टर्स को कमीशन, बेचने वाला जो केमिस्ट और ड्रगिस्ट है उसको कमीशन, और बिकवाने वाला जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है MR उसको कमीशन। तो कमीशनबाजी के धंधे में ये सारा खेल चलता है और इसका सबसे ज्यादा दुष्परिणाम भारत के नागरिकों को हो रहा है। आपको सुनकर बहुत हैरानी होगी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक दुनिया की बहुत बड़ी संस्था है, उनका कहना है कि भारत में जितने लोग बीमारियों से नहीं मरते उससे ज्यादा लोग दवाओं के साइड इफेक्ट से मरते हैं। इससे डिसीज इतनी खतरनाक नहीं है, डिसीज के लिए जो मेडिसिन दी जा रही है, जो ट्रीटमेंट दिया जा रहा है वो खतरनाक है। इसलिए मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करने आया हूं, वो ये कि जब भी आपको बीमारी आए आप डिसीज से मत डरिए, डिसीज के लिए जो मेडिसिन आप खा रहे हैं उससे डरिए, वो खतरनाक है। जो डॉक्टर आपको प्रेस्क्रिप्शन लिख के दे रहा है उससे डरिए, बीमारी से मत डरिए, बीमारी इतनी खतरनाक नहीं। सभी बीमारियों को ठीक करने की शक्ति हमारे अपने शरीर में ही है, इसलिए बीमारी खतरनाक नहीं है। खतरनाक वो तब हो जाती है जब बीमारी को ठीक करने की शक्ति खत्म हो जाती है शरीर की, तब बीमारी खतरनाक हो जाती है। हमारे शरीर में एक प्रतिकारक शक्ति होती है, रेजिस्टेंस पावर। ये जब तक हमारे शरीर में बनी हुई है रेजिस्टेंस, तब तक आपको किसी बीमारी से डरने की जरूरत नहीं, बीमारी आपकी ठीक हो जाएगी। लेकिन जब रेजिस्टेंस खत्म हो जाता है आपका, तब आपकी एक छोटी सी बीमारी भी आपको मृत्यु तक पहुंचा देती है। और रेजिस्टेंस खत्म होने का सबसे बड़ा कारण है जहरीली दवाएं और उनके होने वाले साइड इफेक्ट। इसलिए आप फालतू की दवाएं मत खाइए। तो आप पूछेंगे फिर क्या करें, आपको अगर बीमारी कभी आ जाए, वैसे तो आप योग और प्राणायाम करेंगे तो बीमारी नहीं आएगी, और अगर योग प्राणायाम करेंगे तो बीमारी जो आ चुकी है वो ठीक भी हो जाएगी, लेकिन फिर भी अगर कभी दवाओं की ज़रूरत आपको पड़ जाए तो आपका जो
स्वयं पाक घर है, आपका जो किचन है उसमें जो मेडिसिन्स हैं उनका उपयोग करिए। आपके किचन में, आपके स्वयं पाक घर में करीब 108 दवाएं हैं, 108 मेडिसिन्स हैं हमारे स्वयं पाक घर में, हमारे किचन। दुनिया की खराब से खराब बीमारी का ट्रीटमेंट आप अपने स्वयं पाक घर से कर सकते हैं। जैसे मैं कुछ उदाहरण बताऊं, आपको अगर डायबिटीज है, आपको अगर हाइपरटेंशन है माने बीपी हाई है, आपको डायबिटीज भी है, ब्लड प्रेशर भी है, आपके स्वयं पाक घर में बहुत अच्छी मेडिसिन है, उसका नाम है मेथी का दाना, इसका उपयोग करें। रात को एक चम्मच मेथी दाना पानी में डाल दीजिए, सुबह उठकर उसको चबा के खाइए, पीछे से पानी पी लीजिए, आपका ब्लड प्रेशर भी कम कर देगा, खत्म कर देगा, आपकी डायबिटीज भी ठीक हो जाएगी, बहुत अच्छी मेडिसिन। और इसी मेथी के दाने में थोड़ा जामुन की गुठली का पाउडर मिला दें, मेथी के दाने को पीस लें और उसमें जामुन की गुठली आती है वो पीस के डाल दें, तो खराब से खराब जो शुगर है, 40 साल पुरानी किसी को शुगर है वो भी ठीक हो जाती है। इतनी अच्छी और इतनी प्रभावी दवा है हमारे रसोई। और इसी मेथी के दाने से आप चाहें तो आपके कोलेस्ट्रॉल को ठीक कर सकते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स को ठीक कर सकते हैं। आपको अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है तो आप मेथी दाना खाइए, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़े हुए हैं तो मेथी का दाना खाइए। आपको अगर जॉइंट्स का पेन है, संधिवात है, तो भी आप मेथी का दाना खा सकते हैं। आपके फिंगर जॉइंट्स में पेन है तो मेथी का दाना खा सकते हैं। आपको अगर माइग्रेन होता है तो मेथी का दाना खा सकते हैं। आपके पूरे सिर में दर्द होता है तो मेथी का दाना खा सकते हैं। आपको वात के किसी भी रोग में और कफ के किसी भी रोग में मेथी का दाना सबसे अच्छी मेडिसिन है। इसी तरह अगर आपके हार्ट को कोई प्रॉब्लम है, मान लीजिए ब्लॉकेज हो गया है, तो आप ऑपरेशन कभी भी मत कराइए, क्योंकि ऑपरेशन कभी भी सक्सेसफुल नहीं। आप एक ऑपरेशन कराएंगे फिर अटैक आएगा, दूसरा कराएंगे फिर अटैक आएगा, जब तक अटैक आने की टेंडेंसी आपके ब्लड में रहेगी तब तक ऑपरेशन बिल्कुल सक्सेस नहीं। इसलिए ऑपरेशन मत करें। फिर क्या करें, आप दूधी भोपले का रस पीजिए। आपके घर में दूधी भोपला है, उसका छिलका ना उतारे, छिलका सहित उसका रस निकालें, उसमें धनिया पत्ता, पुदीना पत्ता, तुलसी पत्ता तीनों पीस के डालें चटनी बनाकर, और हर दिन सुबह खाली पेट पी लें तो दूधी के रस से आपके सारे के सारे ब्लॉकेज क्लियर हो जाए। दूधी का रस ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करता है, दूधी का रस ब्लॉकेज को निकाल देता है, दूधी का रस हाइपरथायराइडिज्म की बेस्ट मेडिसिन है, दूधी का रस हाइपोथायराइडिज्म की भी बेस्ट मेडिसिन है। और दूधी के रस के बारे में एक बात कहता हूँ, वो ये कि ब्लड में, खून में जितने भी टॉक्सिक वेस्ट जमा होते हैं सभी को फ्लश आउट करने की ताकत दूधी के रस में, इसलिए इसका भरपूर उपयोग कर सकते हैं। ऐसे ही और एक दो बात बताता हूँ आपको, आपके घर में दालचीनी है, दालचीनी को शहद में मिलाकर अगर आप इस्तेमाल करना शुरू करें तो वात, पित्त, कफ तीनों ही तरह की बीमारियों में बेस्ट मेडिसिन। मैं दालचीनी का उपयोग करके देखा, 70 से ज्यादा बीमारियों में दालचीनी बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, हाई बीपी में, लो बीपी में, कोलेस्ट्रॉल में, ट्राइग्लिसराइड्स में, हार्ट के ब्लॉकेज में, बार बार बुखार आता है, बार बार सर्दी होती है, बार बार जुकाम होता है, माइग्रेन होता है, पूरे सिर में दर्द होता है, आधे सिर में दर्द होता है, सभी में बहुत अच्छा रिजल्ट है दालचीनी का। अगर आपको बहुत ज़्यादा वजन बढ़ गया है, मोटापा आ गया है और आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो दालचीनी से अच्छी कोई चीज़ नहीं आपके स्वयं पाक घर, बहुत अच्छी मेडिसिन। ऐसे ही अगर आपको बार बार बुखार आता है तो ये पैरासीटामोल या वोवेरॉन जो खाएं आप, इससे किडनी डैमेज होने के चांसेस हैं, कभी भी ना लें, ना वोवेरॉन ने ना पैरासीटामोल, इससे अच्छा गुड़वेल, गुड़वेल आप समझते हैं कहीं भी मिल जाती है, 10 पैसे की गुड़वेल या 20 पैसे की गुड़वेल थोड़ी सी अगर ले लें, उसको पानी में डाल के बॉइल करें और इतना बॉइल करें कि पानी आधा हो जाए और उस पानी को पी लें, तो खराब से खराब बुखार खत्म हो जाता है, ताप खत्म हो जाता है, टेम्परेचर खत्म हो जाता है।
गुड़वेल शायद मराठी में कहते हैं, नीम की गिलोय उसको हिंदी में कहते हैं, कहीं भी आसानी से मिलती है, किसी भी दुकान पे मिलती है। कितना भी खराब से खराब टेम्परेचर हो, अगर आपको 105, 106 डिग्री टेम्परेचर आ गया, आप इसको भी गुड़वेल से ठीक कर सकते। ऐसे ही अपने घर में सर्दी खांसी जुकाम के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है, जिसको हड़द कहते हैं, हल्दी कहते हैं, इसको दूध में डाल के उपयोग करें, सब तरह की सर्दी खांसी ठीक हो जाती। टॉन्सिलाइटिस जो बच्चों को बहुत तकलीफ करता है, टॉन्सिल्स के केसेस में कभी भी ऑपरेट मत कराइएगा किसी भी बच्चे को, क्योंकि जिसने टॉन्सिलाइटिस को ऑपरेट करा दिया, जिंदगी भर के लिए प्रॉब्लम आती, मत करा। इसका बेस्ट मेडिसिन है हड़द। आधा चम्मच हड़द पाउडर लेना और चम्मच को गले के अंदर ले जाके छोड़ देना, हड़द पाउडर अंदर गले में चला जाए, और आधा घंटे तक उस बच्चे को कुछ खिलाना पिलाना नहीं। सप्ताह में एक दिन भी आपने दे दिया तो हमेशा के लिए टॉन्सिलाइटिस ठीक हो जाए। इतनी अच्छी मेडिसिन। कितना भी खोखला हो आपको, कितनी भी खांसी हो, स्वयं पाक घर में जो अदरक है, जिसको आल्ला आप कहते हैं, उसका रस निकालिए, शहद के साथ, मध के साथ मिला के गर्म करके ले लीजिए, सब तरह का खोखला ठीक हो जाता है। आल का रस ले लें और पान का रस ले लें, दोनों मिलाएं बराबर मात्रा में और गर्म करें शहद डालकर, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। 20-20 साल पुरानी जो खांसी है, खोखला है, वो आल के रस और पान के रस से ठीक हो जाता है। हमारे घर में सभी मेडिसिन, एक भी ऐसी डिसीज नहीं है जिसका ट्रीटमेंट हम घर में ना कर सकें। तो इसलिए मेरी आपसे इतनी ही विनती है कि जब भी कोई बीमारी आए तो मेडिसिन को आप अपने घर में ढूंढिए, वो आपके घर में ही मौजूद है। और घर में जो मेडिसिन ना मिले तो पड़ोस में तो बहुत आसानी से मिल जाएगा, जैसे धनिया पत्ता है, पुदीना पत्ता है, तुलसी पत्ता है, ये घर के बाहर सबके यहाँ लगा रहता है, बहुत अच्छी मेडिसिन है। हाइपरथायराइडिज्म के जितने केसेस हैं, इन सभी केसेस में मैंने देखा सबसे अच्छे रिजल्ट हैं धनिया पत्ता, जिसको कोथमरी आप कहते हैं। धनिया पत्ते को पीस के चटनी बनाए, गर्म पानी में डाल के उसको पी लें, एक चम्मच चटनी, आधा गिलास गर्म पानी, 15-20 दिन में ही हाइपरथायराइडिज्म को ठीक कर देते। कंटिन्यू पी लेंगे तो जिंदगी में दोबारा कभी भी थायराइड की समस्या नहीं आएगी। ऐसी कोई डिसीज नहीं है जिसका हम ट्रीटमेंट ना कर सके। इसलिए आप अपने स्वयं पाक घर औषधि को, जो केंद्र है आपके घर में, उसको ध्यान दीजिए। ये फालतू के टेलीविजन एडवर्टाइजमेंट देखकर आप जो एलोपैथिक मेडिसिन खा लेते हैं, इनको गलती से भी मत लाइए, क्योंकि आपको मालूम नहीं है जो मेडिसिन आपने खाया है वो एक डिसीज को ठीक करेगा, दूसरी सीरियस डिसीज पैदा कर देगा, क्योंकि साइड इफेक्ट्स बहुत। सारी दुनिया में एलोपैथिक मेडिसिन को अभी डिस्करेज किया जा रहा है, वो कहते हैं अभी बंद करो इनको, और आयुर्वेद की मेडिसिन बहुत तेजी से, अमेरिका जैसे देश में अरबों डॉलर, बिलियंस ऑफ डॉलर की आयुर्वेदिक मेडिसिन अभी बिक रही है। यूरोप में बिलियंस ऑफ डॉलर की आयुर्वेदिक मेडिसिन, 2500 बिलियन डॉलर का मार्केट है आयुर्वेदिक मेडिसिन का इस समय पूरे विश्व में, क्योंकि इनकी बिक्री बढ़ रही है, क्योंकि इसकी क्वालिटी में बहुत दम है, क्योंकि आयुर्वेदिक मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स नहीं। और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात कहना चाहता हूं, वो ये कि आप अपने जिंदगी में कुछ आयुर्वेद के प्रिंसिपल्स को अगर फॉलो करें, सिद्धांत आयुर्वेद के, तो कभी भी कोई डिसीज आएगा ही नहीं। आप लाइफ लॉन्ग डिसीज फ्री रह सकते हैं, रोग मुक्त रह सकते हैं, निरोगी रह सकते हैं। हमारे आयुर्वेद में कहा गया है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सब सुखी हो, सब निरोगी हो, किसी को कभी कोई दुख ना हो, सबके चेहरे प्रसन्नता से खिले हुए हों। तो जब ये बात आयुर्वेद में कही गई है, तो इसका रास्ता भी आयुर्वेद में बताया गया है कि आप कैसे सुखी हो सकते हैं, कैसे निरोगी हो सकते हैं, कैसे रोग मुक्त हो सकते हैं। मैं आयुर्वेद के छोटे छोटे आपको कुछ 4-5 सूत्र बताता हूं, जिनको आज से ही आप अगर फॉलो करें तो जीवन में रोग ही नहीं आएगा।
सबसे अच्छा तो ये है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अब हमेशा आप हमें स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, तो ये सबसे अच्छा है। कुछ ज़्यादा झंझट ही नहीं है, दवाएं खाने का प्रश्न ही नहीं। आप बोलेंगे क्या करना चाहिए। आयुर्वेद में निरोगी होने के लिए, रोग मुक्त होने के लिए 7000 सूत्र लिखे गए। आयुर्वेद में एक बहुत बड़ी पुस्तक है, उसका नाम है अष्टांग हृदयम। एक पुस्तक है उसका नाम है अष्टांग संग्रहम। एक पुस्तक है उसका नाम है चरक संहिता। एक पुस्तक है उसका नाम है भाव प्रकाश। एक पुस्तक है उसका नाम है निघंटु। ऐसी बहुत सारी पुस्तकों में 7000 सूत्र लिखे गए, 7000। उनमें से आपको 7 बताता हूं, 7 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम के। आप बोलेंगे 7000 क्यों नहीं बता सकते, उसमें टाइम बहुत लगता है। उतना समय को संतुलित रखने के लिए छोटे छोटे नियम हैं। जैसे वात को अगर संतुलित आप रखें तो बहुत अच्छा है, नहीं तो सबसे ज्यादा तकलीफ यही करता है। वात का असंतुलन अगर हो गया शरीर में तो 80 तरह के बीमारी आते हैं, 80 डिसीज। घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे का दर्द, हड्डियों के जोड़ों का दर्द, सब तरह का दर्द, ये सब वात की विकृति। हार्ट अटैक आना, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, ट्राइग्लिसराइड होना, पैरालिसिस होना, ब्रेन हेमरेज होना और ब्लड में क्लॉट बनना, ये सब वात की विकृति के रोग है। सबसे खराब है वात, इसको संतुलित रखिए हमेशा। वात अगर बिगड़ता है सबसे ज्यादा रोग आते हैं, इसलिए वात को संतुलित रखिए। तो आप बोलेंगे क्या करें। वात को संतुलित रखने का सिंपल प्रिंसिपल है आयुर्वेद में, शुद्ध तेल खाइए, वात हमेशा संतुलित रहे। प्योर ऑयल खाइए, शुद्ध तेल खाइए। आपके मन में सवाल आएगा ये शुद्ध तेल क्या होता है, क्या हम जो तेल ला रहे हैं बाजार से ये शुद्ध नहीं है। बाजार से आप जितने भी तेल डब्बे में लेके आते हैं ये सब तेल में मिलावट है। क्या मिलावट है, बाजार के सभी तेलों में एक तेल मिलाकर बेचा जाता है और उस तेल का नाम है पामोलिन ऑयल। आप अगर मूंगफली का तेल खाते हैं मान लीजिए, उसमें पामोलिन ऑयल मिक्स है। आप सरसों का तेल लाते हैं उसमें भी पामोलिन ऑयल मिक्स है। आप नारियल का तेल लाते हैं, खोपरे का तेल, उसमें भी पामोलिन मिक्स है। तिल का तेल लाएंगे उसमें भी पामोलिन मिक्स है। भारत देश में जितने भी डब्बा बंद तेल आते हैं बाजार में सभी में पामोलिन ऑयल मिक्स रहता है, सभी में। कारण पूछेंगे आप, कारण क्या है। भारत देश की सरकार ने कानून बनाया है कि सभी तेल में पामोलिन मिक्स करके बेचा जाए, ये कानून है हमारे देश। अब चूंकि कानून है तो सभी तेल में पामोलिन मिक्स करके बेचते हैं। आप पूछोगे ये कानून क्यों बनाया। सरकार के मंत्रियों से मैंने कई बार इस पर बहस की कि आपने ऐसा कानून क्यों बनाया, तो वो कहते हैं कि भारत में तेल का उत्पादन बहुत कम है और तेल की डिमांड बहुत ज्यादा है, मांग ज्यादा है, उत्पादन कम है। तो हम क्या करते हैं, विदेशों से तेल इंपोर्ट करते हैं और उसको मिक्स करके बेचते हैं ताकि सबको डिमांड पूरी कर सके। अब समस्या क्या आती है कि ये जो पामोलिन ऑयल मिक्स किया जाता है ये कभी भी हमारी बॉडी को डाइजेस्ट नहीं होता। पामोलिन ऑयल को डाइजेस्ट होने के लिए, पाचन होने के लिए 42 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर चाहिए और बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर नहीं जाता, इसलिए पामोलिन ऑयल डाइजेस्ट नहीं होता, पाचन नहीं होता। तो वो ब्लड में जाके डिपॉजिट होता है और जब पाम ऑयल ब्लड में डिपॉजिट होता है तो सैकड़ों बीमारियां आपको आती हैं जो वात से जुड़ी हुई है। इसलिए बाजार का डब्बा बंद तेल मत खाइए। फिर क्या करें, आप ऐसा करिए, आपको जैसे शेंग तेल खाना है, शेंगा तेल, आप अपना शेंग दाना लेके जाइए, कोई तेल निकालने वाला जो मशीन है उसको दीजिए, वो तेल निकाल कर आपको देगा, वो तेल आप खाइए, वो शुद्ध तेल। आप तिल का तेल खाते हैं तो तिल लेके जाइए, मशीन में तेल निकलवा के अपनी आंखों के सामने लाइए, वो तेल खाइए। अगर आप सरसों का तेल खाते हैं तो सरसों लेके जाइए, उसका तेल निकलवाइए, उसको लेके आइए और वो खाइए। आप बोलेंगे ये कैसे संभव है। पुणे में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो
ऑयल निकालने का काम करते, जो पुराना शहर है ना पुणे का, सब जगह बहुत सारे ऐसे ऑयल मिल हैं, छोटी छोटी मशीनें लगा के लोग बैठे हैं, आप अपना शेंग दाना दीजिए वो तेल निकाल के देंगे, आप अपना नारियल दीजिए वो तेल निकाल के दे देंगे, तो वो तेल आपके लिए शुद्ध है। फिर आप बोलेंगे वो तेल में गाढ़ापन बहुत है, वो कंसेंट्रेटेड है, आप उससे डरिए मत, ये जो तेल का कंसेंट्रेशन होता है, गाढ़ापन होता है, ये उसका प्रोटीन कंटेंट है। और तेल में अगर प्रोटीन नहीं होगा तो वो तेल नहीं होगा। हमारे मन में डर क्या बैठा हुआ है, अरे तेल बहुत गाढ़ा है, बहुत कंसेंट्रेशन है उसमें, इसलिए वो खाएंगे तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। बिल्कुल चिंता मत करिए, ये तेल का जो गाढ़ापन है ये कभी भी कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ाता। कोलेस्ट्रॉल किससे बढ़ता है? कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है पामोलिन ऑयल से, शुद्ध तेल से नहीं बढ़ता। कभी आप बाजार से कई बार रिफाइंड तेल लाते हैं, डबल रिफाइंड तेल लाते हैं, वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने का कारण है। और जो वेजिटेबल ऑयल लाते हैं वो तो सबसे ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, जिसको आप डालडा कहते हैं, वनस्पति घी, उसको कभी मत खाइए, वनस्पति घी सबसे ज़्यादा खतरनाक। रिफाइंड और डबल रिफाइंड ऑयल बहुत खतरनाक है, वो मत खाइए, क्योंकि तेल को रिफाइन करने में जो केमिकल मिक्स किए जाते हैं वो खतरनाक हैं सारे के सारे। रिफाइंड और डबल रिफाइंड तेल का मतलब है 23 केमिकल्स उसमें मिक्स किए। तो आप अपने मन में ये स्पष्टता कर लीजिए, तेल में जो गाढ़ापन है वो खराब नहीं है, वो प्रोटीन है, और उस प्रोटीन के लिए ही हम तेल खाते हैं। अगर तेल का गाढ़ापन निकाल देंगे वो तेल ही नहीं रहेगा, वो तो पानी जैसा हो जाएगा। और आपको मैं बताना चाहता हूँ, कोलेस्ट्रॉल दो तरह का होता है, चिकनाई दो तरह की होती है, गाढ़ापन दो तरह का होता है, एक अच्छा और एक बुरा, एक गुड कोलेस्ट्रॉल एक बैड कोलेस्ट्रॉल। जो अच्छा है उसको HDL कहते हैं, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जो बुरा है उसको LDL और VLDL कहते हैं। तो आपको HDL बढ़ाना चाहिए, LDL कम करना चाहिए। HDL बढ़ाने के लिए शुद्ध तेल खाइए, हमेशा HDL बढ़ेगा और लाइफ आपकी बढ़ती चली जाएगी। और ये रिफाइंड और डबल रिफाइंड खाएंगे तो LDL बढ़ेगा और जिंदगी भर आपको हार्ट अटैक का खतरा बना रहेगा। इसलिए रिफाइंड डबल रिफाइंड तेल, वनस्पति घी, ये सब बंद करके शुद्ध तेल खाना आप शुरू करिए। जो भी तेल खाएं, शेंगा तेल खाएं, तिल का तेल खाएं, नारियल का तेल खाएं, खोपरे का तेल खाएं, सूरजमुखी का तेल खाएं, शुद्ध खाएं, प्योर ऑयल खाएं, तो जीवन भर बात आपको तकलीफ नहीं करेगा और 80 बीमारियों से आप बचे रहेंगे। ये आयुर्वेद का एक सिंपल सा सूत्र है। दूसरा सूत्र है, पित्त के रोगों से अगर बचना है आपको जीवन भर, तो देशी गाय का घी खाइए। पित्त के रोग क्या हैं? एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी, अल्सर, पेप्टिक अल्सर, खट्टी डकारे आना, मुंह में पानी आना, भोजन का पाचन नहीं होना, बार बार खट्टी खट्टी जो है मुंह में पानी आते रहना, भोजन खाए हुए घंटों घंटा हो गया फिर भी मुंह में बार बार भोजन का स्वाद आता रहता है, ये सब पित्त की विकृति के रोग हैं। और इनकी संख्या 40 है, 40 पित्त के रोग हैं। इनसे अगर बचना है तो जिंदगी भर शुद्ध गाय का घी खाइए। शुद्ध गाय के घी का मतलब जो गाय है ना उसका दूध, दूध को बनाइए दही, दही में बनाइए ताक, ताक बनाने के बाद जो निकलेगा मक्खन उसको करिए गर्म, वो जो बनेगा वो है घी, ये घी खाइए। तो आप बोलेंगे गाय का घी कहाँ मिलेगा? गाय का दूध खरीदिए, दूध को दही बनाइए, दही से ताक निकालिए, मक्खन बनाइए, घी बनेगा, क्या प्रॉब्लम? गाय है अभी देश में और गाय का दूध भी। फिर आप बोलेंगे भैंस का घी खाएं, तो भैंस का घी खाएंगे भैंस जैसे ही हो जाएंगे, जैसी भैंस है वैसे ही उसका घी है, जैसी भैंस है उसका दूध भी वैसे ही। आयुर्वेद में ये कहा गया है जो भैंस का तूप है, मशी का तूप, वो सिर्फ वो लोग खा सकते हैं जो कुश्ती लड़ते हैं, कुश्ती लड़ते हैं ना कोल्हापुर में,
वो लोग मछली का ही खा सकते, कोल्हापुर वाले खा सकते, क्योंकि कुश्ती लड़ते, दंड बैठक करते। कुश्ती लड़ना, दंड बैठक करने का मतलब जिनका फिजिकल एक्सरसाइज बहुत होता है, जो शरीर का बहुत उपयोग करते हैं, जैसे मजदूर लोग हैं, फावड़ा लेके दिन भर खोदते रहते हैं, या हमारा शेतकरी वर्ग है जो शेत में हल चलाता रहता, ये सब लोग मछली का तूप खा सकते हैं। आप तो बैठे बैठे जिंदगी बिताते हैं अपनी, घर में बैठे हैं, दुकान पे बैठे हैं, कार में बैठे हैं, रेल में बैठे हैं, हवाई जहाज में बैठे हैं, आपका तो कुछ काम ही नहीं करता शरीर, दिन भर बैठना, रात भर बैठना, या तो सोते हैं या तो बैठते, पैदल चलना भी अब हमारा बंद हो गया, भाजी भी खरीदने जाते हैं तो कार में जाते हैं, स्कूटर मोटरसाइकिल पे जाते हैं। तो आप मछली का तूप मत खाइए, बहुत खतरनाक है। आप गाय का तूप खाइए, गाय का तूप बहुत जल्दी हजम होता है और सबसे जल्दी उसका पाचन। तो गाय का तूप खाते रहेंगे, जिंदगी में कभी भी पित्त का कोई भी रोग नहीं आएगा। और तीसरा प्रिंसिपल आयुर्वेद का है, तीसरा सिद्धांत है कि कफ का रोग अगर आपको नहीं चाहिए जीवन में, कफ का सबसे खतरनाक रोग पता है क्या है? मोटापा, लठपना, वेट बढ़ रहा है, वजन बढ़ रहा है, ये कफ की विकृति है। तो आप चाहते हैं कि कफ का रोग ना आए, माने वजन ना बढ़े आपका, सर्दी खांसी जुकाम बुखार ना हो, टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम ना हो, आंखें हमेशा अच्छी रहें, कान हमेशा अच्छे रहें, तो कान अच्छे रहें, आंख अच्छी रहें, ये सब कफ के संतुलन से होता। जवान अच्छी रहे, कान अच्छे रहें, आंख अच्छी रहे, वजन ना बढ़े, गला ठीक रहे, बुखार सर्दी खांसी जुकाम ना आए, तो मतलब ये है कफ को संतुलित रखो। और इसका सबसे सिंपल सूत्र है आयुर्वेद में, चीनी मत खाओ, गुड़ खाओ, गुड़, शक्कर छोड़ दो। ये शक्कर सबसे खतरनाक चीज है जो कफ बढ़ाती है, कफ की विकृति का सबसे बड़ा कारण है शक्कर। आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, भारत में जब से शुगर प्रोडक्शन हुआ तभी से लोग ओवर वेट हुए। हाँ, ये बहुत बड़ी रिसर्च, मैंने इस रिसर्च में 12 साल खराब किया, पूरे डेटा इकट्ठे किए भारत देश के। शुगर प्रोडक्शन जब से इस देश में हुआ और चीनी खाना हमने जब से शुरू किया, ओवर वेट हम तभी से हुए। उसके पहले भारत में कोई ओवर वेट नहीं था, जब तक शुगर नहीं आई थी तब तक ये देश ओवर वेट नहीं था, जब से शुगर आई सब मोटे मोटे हो गए, सबके पेट बाहर निकलना शुरू हो गए, ये सब शुगर का दुष्परिणाम है, शक्कर का दुष्परिणाम। आप पूछोगे क्यों, ये जो शक्कर है ना, ये कभी भी डाइजेस्ट नहीं होती, और जो चीज डाइजेस्ट नहीं होती वो टॉक्सिक वेस्ट में कन्वर्ट होती है, और ये शक्कर जब टॉक्सिक वेस्ट में कन्वर्ट होती है तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और मोटापा आना शुरू होता है। शक्कर के बारे में सरल बात एक बताता हूं जो आपको समझ में आए जल्दी से। हम खाना खाते हैं लंच में या डिनर में, कितना भी हम खाना खाएं, सपोज हमने 250-300 ग्राम खाना खाया, लगभग इतना ही हम खा पाते हैं, उतना खाना खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ खाइए, गुड़ 1 ग्राम, तो ये जो 1 ग्राम गुड़ आपने खाया, ये आपके पूरे भोजन को विद इन 4 आवर्स, 4 घंटे में 100% डाइजेस्ट करा देगा। थोड़ा सा गुड़, गुड़ जो है ना बहुत बड़ा पाचक, डाइजेस्टर है बहुत बड़ा गुड़। और आपने जो खाना खाया 250-300 ग्राम, इसके पीछे आधा चम्मच शुगर खा लीजिए, अब ये खाना आपको 8 घंटे तक हजम नहीं होगा, शुगर खा ली तो। और जितना भोजन आपने किया है इसकी पूरी एनर्जी 1/2 टी स्पून शुगर को डाइजेस्ट करने में खर्च हो जाएगी, शुगर इतनी खराब मत खाइए। शुगर में सबसे बड़ी खराबी जानते हैं क्या है? जो केमिकल शुगर को बनाने में इस्तेमाल होते हैं, सबसे खराब केमिकल एक सल्फर नाम का केमिकल है, जिसके बिना कभी भी शुगर बन नहीं सकती, और सल्फर जो है पॉइजन, जहर है। और वैसे भी शुगर इतनी महंगी है, शक्कर इतनी महंगी है,
₹50 किलो हो गई है, क्यों आप दिमाग खराब करते हैं उसको खा खा के? बंद करिए, उससे अच्छा गुड़ लाइए, गुड़। और गुड़ तो बाजार में अच्छा है, शुगर से तो सस्ता है। और गुड़ से भी अच्छी एक चीज मिलती है महाराष्ट्र में, काकवी। काकवी खाइए, आप तो जानते हैं ना काकवी, वो तो सबसे अच्छी। काकवी को चाय में डालिए, काकवी को दूध में डालिए, काकवी का मिठाई बनाइए, लड्डू बनाइए, हलवा बनाइए, शीरा बनाइए, काकवी से सब बनता है। तो या तो गुड़ लाइए, नहीं तो काकवी लाइए। और गुड़ जब आप खरीदेंगे बाजार से, तो ध्यान से गुड़ खरीदिए, जो ज्यादा व्हाइट कलर का है, सफेद, वो गुड़ मत लाइए, वो निर्मा वॉशिंग पाउडर से बना है, बहुत खराब है। तो कौन सा गुड़ लाएं? जो थोड़ा काला काला दिखता है, गहरे रंग का होता है, डार्क कलर का होता है, लाल लाल दिखता है, दिखने में जो अच्छा नहीं लगता है, वही गुड़ में क्वालिटी। वो गुड़ लाइए। और मैंने कहा गुड़ से भी अच्छी काकवी है अगर मिले तो वो है। और गुड़ और काकवी से भी अच्छी एक चीज है, वो है शहद, हनी। मत खाइए, अगर थोड़े पैसे खर्च कर सकते हैं तो शहद से अच्छी कोई मीठी चीज नहीं है पूरी दुनिया। भरपेट शहद खाइए, 1 ग्राम वजन नहीं बढ़ेगा आपका, भरपेट शहद खाए तो। और थोड़ी सी चीनी खाना शुरू किया, वेट बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं जो कहते हैं कि राजीव भाई हम 3 साल से प्राणायाम करते हैं, हमारा वेट कम नहीं होता। कोई कहता है हम 4 साल से प्राणायाम करते हैं, वेट कम नहीं होता। फिर मैं उनसे पूछता हूँ आप शुगर खाते हैं? हाँ खाते तो हैं। मैंने कहा फिर कभी नहीं कम होगा। आप जितना मर्जी प्राणायाम करें, अगर शुगर खा रहे हैं तो वेट बिल्कुल कम नहीं होगा। शुगर बंद कर दीजिए, वेट अपने आप कम हो जाएगा। मैंने तो कई बार कई पेशेंट को देखा कि कुछ पेशेंट प्राणायाम भी नहीं कर सकते, लेकिन खाली शुगर छोड़ दें, उतने में ही वेट खत्म हो जाता है, एकदम बॉडी स्लिम और ट्रिम हो जाती है। काकवी, काकवी नहीं मालूम, पड़ोसी से पूछ लो, बता दे। तो या तो शहद खाइए, हनी लीजिए, नहीं तो गुड़ लीजिए, नहीं तो काकवी लीजिए। और एक आती है मिश्री, मिश्री को हम शायद मराठी में खड़ी शक्कर, लेकिन वो बड़ी वाली, ये जो बारीक आती है ना, वो तो चीनी से ही बनती है, वो तो बेकार है। जो बड़ा ऐसे गोल गोल आता है बॉल जैसा, वो तो बहुत अच्छा है। मिश्री से अच्छी तो कोई चीज है। भगवान श्री कृष्ण ये मिश्री माखन के साथ खाते थे और बिल्कुल डायबिटिक नहीं थे, रोज खाते थे। कभी उनका कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ा, कभी उनका पेट बाहर नहीं निकला, कभी ओवर वेट नहीं हुए। और माखन मिश्री खा के ही कंस को मारा होगा, इतनी शक्ति है। मैंने इस पे थोड़ा रिसर्च किया कि ये जो माखन है, बटर जिसको हम कहते हैं, कौन सा बटर, ताक बनाने के बाद निकला हुआ बटर, ये सबसे जल्दी डाइजेस्ट होता है। जितने भी ऑयल हैं हमारे लाइफ में, सबसे आसानी से डाइजेस्ट होता है मक्खन, बटर। जैसे उदाहरण में दूं, आप बटर खाएंगे, मक्खन खाएंगे, 40 मिनट से लेकर 1 आवर उसको चाहिए डाइजेस्ट होने के लिए। और ऑयल खाएंगे उसको 4 आवर्स चाहिए, और बटर ऑयल खाएंगे उसको 6 आवर्स चाहिए। सबसे जल्दी डाइजेस्ट होता है मक्खन 40 मिनट से 1 घंटे में। इसलिए कहा जाता है बच्चों को मक्खन खिलाई, और वो भी मिश्री के साथ, तो सारे बच्चे श्री कृष्ण जैसे होंगे, और बड़े होने पे कंसों को मारेंगे। आजकल कंस बहुत हैं इसके। तो ये छोटे छोटे कुछ नियम है आयुर्वेद के। पहला नियम मैंने बताया शुद्ध तेल खाइए, दूसरा नियम बताया गाय का घी खाइए, तीसरा नियम बताया शक्कर मत खाइए, वात पित्त कफ तीनों बैलेंस हो जाएगा और लाइफ आपकी डिसीज फ्री हो जाएगी। और एक आयुर्वेद में कहा गया, वात पित्त कफ को ठीक करने के लिए आयुर्वेद में कहा गया कि खाना खाने के 1.5 घंटे के बाद ही पानी पीजिए,
खाना खाते ही तुरंत पानी मत पीजिए। अगर आप खाना खाते ही तुरंत पानी पीते हैं तो सबसे ज्यादा तकलीफ आपको होने वाली है। कारण उसका क्या है, आप जब भोजन करते हैं तो भोजन पेट में इकट्ठा होता है, पेट में एक स्थान है उसको हम जठर कहते हैं, जठर स्थान में अग्नि प्रदीप्त होती है जिसको जठर अग्नि कहते हैं। खाना खाते ही जठर अग्नि प्रदीप्त होती है। अब अग्नि प्रदीप्त होती है तो उससे खाने का डाइजेशन होता है, पाचन होता है। तो जैसे ही अग्नि प्रदीप्त हुई आप उसी समय घटाघट पानी पी लेते हैं। और पानी का अग्नि से दोस्ती नहीं, अग्नि के ऊपर जब पानी डालेंगे अग्नि शांत हो जाती है, और जठर अग्नि शांत हुई तो भोजन पचेगा नहीं, भोजन पचेगा नहीं तो सड़ेगा, और सड़ा हुआ भोजन विष उत्पन्न करेगा, और उस विष के कारण 103 डिसीज आएंगे, 103 बीमारियां। इसलिए आयुर्वेद में कहा गया भोजनांते विषमवारी, माने भोजन के अंत में पानी जहर के जैसा है, कभी भी ना पिए। कब पिए, लगभग 1.5 घंटे के बाद पिए। दूसरा नियम है, पानी जब भी पिए तो सिप सिप करके पिए, घूट घूट करके पानी पिए। जैसे गरम दूध पीते हैं, गरम चाय पीते हैं, एक सिप पिया, थोड़ी देर रुके, फिर एक सिप पिया, फिर रुके, फिर एक सिप पिया, ऐसे पानी पीने की आदत है। एक साथ गटागट पानी पीना बंद कर, ये बहुत खराब है। क्यों, हमारा जो मुंह है ना इसमें हमेशा लार बनती है। एक एक सिप पानी पिए तो लार ज्यादा मात्रा में अंदर जाती है, और लार जो है ना वो एल्केलाइन है, और हमारे पेट में हमेशा एसिड बनता है। एसिड और एल्केलाइन दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं, अम्ल और क्षार दोनों मिले तो निष्प्रभावी हो जाते हैं। तो बार बार मुंह का जो क्षार है लार वो पानी के साथ अंदर जाएगा, पेट का अम्ल शांत रहेगा, और पेट का अम्ल शांत होगा तो जीवन में कभी भी डिसीज नहीं आएगा। इसलिए आयुर्वेद में कहा गया पानी को सिप सिप करके पी। तीसरा नियम है, दिन की शुरुआत पानी से करें। जब सुबह हो गई, आप सोकर उठे तो सबसे पहले पानी पिए। मुंह नहीं धोना, कुल्ला नहीं करना, दातुन नहीं करना, ब्रश नहीं करना, पहले पानी पीना। क्यों पीना, रात को आप सो गए, मुंह में लार जमा हो गई, आपने उठते ही पानी पी लिया, वो सारी लार अंदर चली गई। सुबह सुबह की जो लार है ना उसकी मेडिसिनल क्वालिटी सबसे ज्यादा है, उसका औषधीय गुण बहुत है सुबह की लार का। इसलिए आयुर्वेद कहता है कि ये सुबह की लार थूकनी नहीं चाहिए, इसको पीना चाहिए। तो सुबह उठते ही पानी पी, कितना पिए, कम से कम 3 गिलास। कैसे पिए, सिप सिप कर, तो सारी लार अंदर जाएगी। और पानी पीने के बाद आप टॉयलेट जाएं तो ये सुबह सुबह जो आप पानी पिएंगे ये लार्ज इंटेस्टाइन को जाके क्लीन करेगा, और लार्ज इंटेस्टाइन अगर आपकी साफ हुई तो मल एकदम से बाहर निकलेगा। और जिनको सुबह एक बार शौच साफ होता है, संडास खुल के आता है, उनके जीवन में कोई रोग नहीं है। इसलिए आयुर्वेद में कहा गया सुबह उठते ही पानी पिए। इसको उषा पान के नाम से डिफाइन किया गया है आयुर्वेद, ये तीसरा नियम। चौथा और आखिरी नियम है आयुर्वेद का, वो ये कहता है कि जिंदगी में कितना भी गर्मी पड़े, कितना भी पसीना आए, ठंडा पानी कभी भी ना पिए। कोल्ड वाटर गलती से भी ना पिए। ठंडा पानी का डेफिनेशन क्या है आयुर्वेद में, आयुर्वेद कहता है कि जो पानी रेफ्रिजरेटर में रखा है वो ठंडा है, जो पानी में बर्फ मिला दिया आपने वो ठंडा है। पानी का टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर कम चला गया तो वो पानी ठंडा है, और वो फ्रिज का पानी है, बर्फ का पानी है, इसे गलती से भी ना पिए। हमेशा नॉर्मल वाटर पिए, मिट्टी के घड़े का पानी पिए, वो सबसे अच्छा। क्या आप जब ठंडा पानी पीते, पेट आपका गर्म है, पानी तो ठंडा है, तो गर्म पेट में ठंडा पानी डालेंगे तो गड़बड़ होने वाली है। या तो पेट पानी को गर्म करे या पानी पेट को ठंडा करे। अब पेट पानी को गर्म करेगा तो एक्स्ट्रा एनर्जी लगेगी पानी को गर्म करने, वो एक्स्ट्रा एनर्जी ब्लड में से आएगी, तो सारे बॉडी का ब्लड पेट में आएगा पानी गर्म करने के लिए, तो ब्लड की सप्लाई कम हो जाएगी ऑर्गन्स को, तो ऑर्गन्स आपसे डैमेज हो सकते।
इसलिए आयुर्वेद में कहा गया ठंडा पानी ना पिए। तो ये चार नियम मैंने बताए, खाने के 1.5 घंटे बाद पानी पिए, पानी सिप सिप पिए, सुबह उठते ही 2-3 गिलास पानी पिए और उसके बाद टॉयलेट जाएं और कभी भी ठंडा पानी ना पिए। ये चार नियम का पालन करेंगे तो वात पित्त कफ तीनों संतुलित रहेंगे। शुद्ध तेल खाएंगे, देशी गाय का घी खाएंगे और शक्कर खाना बंद करके गुड़ खाएंगे तो वात पित्त कफ संतुलित रहेंगे। इन्हीं 7 नियम को जिंदगी भर अगर आप फॉलो करते रहें तो लाइफ आपकी डिसीज फ्री रहेगी, रोग मुक्त आप रहेंगे। और अगर आप रोग मुक्त हैं तो जीवन में किसी तरह की चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है। हम भारत स्वाभिमान की तरफ से यही चाहते हैं, हर व्यक्ति निरोगी हो, हर व्यक्ति रोग मुक्त हो। इसलिए गांव-गांव जाकर सबको ये नियम बता रहे हैं, गांव-गांव जाकर सबको योग और प्राणायाम सिखा रहे हैं। और ये योग प्राणायाम की हमारी जो यात्रा शुरू हुई हरिद्वार से, आज भारत के 680 जिलों तक पहुंच गई है। अगले 2 वर्षों में ये योग प्राणायाम गांव-गांव तक पहुंचाना है। इसके लिए 13,40,000 योग शिक्षकों की ट्रेनिंग सारे देश में शिविरों के माध्यम से हो रही है और थोड़े दिन में हम ये काम कर पाएंगे। तो पहला काम है भारत स्वाभिमान का, हर व्यक्ति को निरोगी बनाना, स्वस्थ बनाना, योग प्राणायाम और आयुर्वेद की मदद से। और दूसरा और आखिरी काम है हमारे भारत स्वाभिमान का, देश को स्वस्थ बनाना, देश को निरोगी बनाना। अब देश को क्या बीमारी है? देश को इस समय सबसे बुरी बीमारी है, वो है करप्शन, भ्रष्टाचार। सारे देश में इतना ज्यादा करप्शन फैला हुआ है, इतना भ्रष्टाचार है, ऊपर से नीचे तक सारा देश इसमें डूब गया। हम लोगों ने करप्शन के बारे में, भ्रष्टाचार के बारे में कुछ स्टडी किया तो पता चला कि भारत देश के लोग हर साल 21 लाख करोड़ रुपए का टैक्स भरते हैं। हम केंद्र सरकार को टैक्स देते हैं, राज्य सरकार को टैक्स देते हैं, नगर पालिका को टैक्स देते हैं और हर साल करीब 21 लाख करोड़ रुपए का टैक्स देने के बाद हम ये उम्मीद करते हैं कि देश का विकास इस पैसे से होगा। लेकिन ये जो 21 लाख करोड़ का हमारा टैक्स का रकम है, इसमें से 85% धन भ्रष्टाचार में, रिश्वतखोरी में समाप्त हो जाता। हमारे भारत देश के एक प्रधानमंत्री थे, उनका नाम था राजीव गांधी। राजीव गांधी 1984 में जब प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने पार्लियामेंट में एक स्टेटमेंट किया और उसमें उन्होंने कहा कि जब मैं भारत के किसी एक व्यक्ति से 1 रुपये टैक्स में लेता हूँ और वापस वो 1 रुपया गरीब आदमी के विकास के लिए देता हूँ तो उस गरीब आदमी तक 15 पैसा ही पहुँचता है, 85 पैसा बीच में ही भ्रष्टाचार में खत्म हो जाता है। अब राजीव गांधी ने जो कहा उस बात को हमने एनालाइज किया तो पता चला कि हम 21 लाख करोड़ का टैक्स देते हैं, इसमें से हर साल 18 लाख करोड़ रुपए की लूट हो जाती है पूरे देश में। और ये लूट कौन करता है? हमारे ही देश के भ्रष्ट नेता हैं और अधिकारी हैं जो पैसे को लूटते हैं। और कैसे लूटते हैं, 1-2 उदाहरण दूंगा। हमारे देश में एक बहुत बड़ा भ्रष्ट नेता है, उसका नाम है मधु कोड़ा। झारखंड में वो 2 साल के लिए मुख्यमंत्री हुआ और 2 साल मुख्यमंत्री रहते हुए उसने झारखंड से 5,600 कोटी रुपए लूट लिए। 2 वर्ष में 5,600 कोटी। झारखंड भारत का सबसे गरीब राज्य है और भारत के सबसे गरीब राज्य में से अगर 5,600 कोटी रुपए कोई लूट सकता है सबसे गरीब राज्य में, तो भारत के सबसे अमीर राज्य में जो नेता 10-10 साल मुख्यमंत्री रह लिए उन्होंने कितना लूटा होगा आप सोचो। अपने महाराष्ट्र राज्य का ही जरा सोचो, कौन कौन 10 साल मुख्यमंत्री रह चुका है और देखो उसने कितना लूटा। मैंने महाराष्ट्र के कुछ पुढ़ारियों का जन्म कुंडली बनाया। जन्म कुंडली ये नहीं राहु केतु वाला, जन्म कुंडली वो कि जब वो नेता बने, राष्ट्र पॉलिटिक्स में आए तो उनके पास कितनी संपत्ति थी और अब उनके पास कितनी संपत्ति है। एक पुढ़ारी है इस महाराष्ट्र का, 25 साल पहले उसके घर में टूटी साइकिल नहीं थी, टूटी साइकिल, कुछ संपत्ति नहीं थी उसके पास।
आज उस पुढ़ारी को 70,000 कोटि की संपत्ति हो चुकी इसी महाराष्ट्र। 25 साल पहले एक पुढ़ारी था इस महाराष्ट्र में जो दादर रेलवे स्टेशन पर भाजीपाला बेचता था, उस समय का फोटोग्राफ है हमारे पास उसका। आज उसकी संपत्ति 55,000 कोटि। एक पुढ़ारी था 25 साल पहले, वो नासिक में सिनेमा का टिकट ब्लैक करता था, पकड़ा गया, पुलिस रिकॉर्ड में उसके सारे दस्तावेज। तो नासिक में सिनेमा का टिकट ब्लैक करने वाला पुढ़ारी महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री हुआ और आज उसकी संपत्ति 45,000 कोटि। ऐसे 80,000 पुढ़ारी मधु कोड़ा तो एक नाम, 80,000 लूट लूट कर सारा धन इन्होंने जमा कर दिया। यहां महाराष्ट्र में ऐसे ऐसे पुढ़ारी हैं, उनके जो घर में उनके बेटे बेटी है ना, एक एक दिन अगर वो शॉपिंग के लिए निकल जाते हैं तो 10-10 लाख रुपए की शॉपिंग करते हैं एक दिन, 10 लाख रुपए की शॉपिंग एक दिन। तो 480 कोटी रुपए घर में से कैश मिला, 480 कोटी। उस अधिकारी को गिरफ्तार किया गया, पूछा गया तुम्हारे घर में इतना पैसा कहां से आया, तो उसने कहा कि मैंने उत्तर प्रदेश में आईएएस कैडर की नौकरी की है 40 साल, और मेरा जो बॉस है वो मुख्यमंत्री होता था, तो जब भी मैं नौकरी किया तो हर मुख्यमंत्री ने मुझे लूटने का टारगेट दिया हुआ था, 15 दिन में 10 कोटी लूटना है, 25 दिन में 20 कोटी लूटना है, ऐसा टारगेट होता था। तो मैं 10 कोटी लूटता था, 8 कोटी मुख्यमंत्री को देता था, 2 कोटी मैं बचाता। तो 40 साल में ये बचाया का धन 480 कोटी रुपए हो गया। और उसने कहा कि एक भी मुख्यमंत्री ऐसा नहीं मिला मुझे जिसने मुझे लूटने को ना कहा हो, हर एक मुख्यमंत्री लूटवाता है, और मैं लूटने से मना करूं तो मेरा ट्रांसफर कर देते, सस्पेंड कर देते। फिर उसने कहा कि मेरे जैसे हजारों अधिकारी हैं, IAS, IPS, IRS, IFS, IAS, जो ऑल इंडिया कैडर के हैं, सब लूट रहे हैं और सबको मुख्यमंत्रियों को देना पड़ता है, ऊपर से नीचे तक ये लूट का बंटवारा होता है, और सारे देश में ये जो लूटा हुआ धन है ये एक साल में 18 लाख कोटी रुपए का। अब हो क्या रहा है, ये धन लूट लूट कर सारे नेता विदेशी बैंकों में जमा करते हैं। दुनिया में एक छोटा सा देश है उसका नाम है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड देश में 330 बैंक हैं। उन 330 बैंकों में भारत के भ्रष्ट पुढ़ारियों के 80,000 से ज्यादा अकाउंट हैं, 80,000 अकाउंट्स। हम लोगों ने इस विषय पर बहुत रिसर्च किया। जब रिसर्च किया तो स्विस बैंकों से हमने कॉन्टेक्ट किया, तो स्विस बैंकों का एक एसोसिएशन है जिसका नाम है स्विस बैंकर्स एसोसिएशन, उनको हमने संपर्क किया तो उन्होंने बताया कि भारत से लूटा हुआ जो पैसा स्विस बैंक में है वो 1,500 बिलियन डॉलर्स है। 1,500 बिलियन डॉलर्स का मतलब होता है 72 लाख कोटी रुपए। इतना धन विदेशी बैंकों में, और ये जो स्विस बैंकों में धन जमा होता है इसको जमा करवाने वाले कुछ एजेंट हैं हमारे देश में। जैसे यहाँ पुणे में एक एजेंट है स्विस बैंक का जिसका नाम है हसन अली, उसके यहाँ रेड हुई थी थोड़े दिन पहले। हसन अली यहीं पुणे में रहता है, और जब रेड हुई तो उसकी प्रॉपर्टी 72,000 करोड़ की मिली, 72,000 कोटि। हसन अली को पूछा गया तुम्हारा बिजनेस क्या, तो उसने कहा मैं तो कुछ बिजनेस नहीं करता। फिर उसको पूछा तुम्हारा कुछ इंडस्ट्री है, उसने कहा मेरा कोई इंडस्ट्री नहीं। फिर उसको पूछा तुम्हारा कोई एग्रीकल्चरल लैंड है, उसने कहा कुछ नहीं। तो फिर इतना पैसा कहाँ से आया, तो हसन अली ने उत्तर दिया कि मैं महाराष्ट्र के और भारत के भ्रष्ट पुढ़ारियों का पैसा स्विस बैंक में डिपॉजिट कराने का एजेंट हूँ, इसलिए मुझे कमीशन मिलता है, उस कमीशन से 72,000 कोटी रुपए मैंने कमाए।
अब स्विस बैंक एजेंट को 72,000 करोड़ की प्रॉपर्टी है, तो जो भ्रष्ट पुढ़ारी है उनकी प्रॉपर्टी तो 72 लाख कोटी की तो हो ही सकती है क्या पुष्प? और अभी अभी हमने थोड़े दिन पहले इस रिसर्च को और आगे बढ़ाया कि भारत का ब्लैक मनी, भारत का लूटा हुआ पैसा जो विदेशी बैंकों में है वो कितना है। तो एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो हमारी काफ़ी मदद कर रही है इस काम में, उस संस्था का नाम है टैक्स जस्टिस नेटवर्क। उन्होंने हमको जो लेटेस्ट डॉक्यूमेंट्स और आंकड़े दिए तो हम तो हैरान हो गए। उनका कहना है टैक्स जस्टिस नेटवर्क के लोगों का कि भारत के भ्रष्ट पुढ़ारियों का, भ्रष्ट नेताओं का, भ्रष्ट अधिकारियों का, भ्रष्ट उद्योगपतियों का जो पैसा विदेशी बैंकों में है वो 258 लाख कोटी रुपए, 258 लाख करोड़। इतना धन हमारे देश से लूट लूट कर विदेशी बैंकों में जमा हो चुका है। अब क्या किया जाए? तो हमने भारत स्वाभिमान की तरफ से एक संकल्प लिया है कि ये जो पैसा लूट कर पुढ़ारियों ने विदेशी बैंकों में रख लिया है, इस पूरे पैसे को भारत में वापस लाना है और इसी पैसे को देश के विकास के काम में लगाना है। तो आपके मन में प्रश्न आएगा, क्या ये पैसा वापस आ सकता है? हाँ, ये पैसा वापस आ सकता है। हमने जब इस पर बहुत सीरियस रिसर्च किया तो पता चला कि ये सारा पैसा जो 258 लाख कोटी रुपए है ये विदेशों से वापस आ सकता है। क्या रास्ता है, कैसे ला सकते हैं? इसके चार रास्ते। पहला रास्ता है, हम भारत के सुप्रीम कोर्ट में एक पब्लिक इंटरेस्ट पिटीशन फाइल करें, जनहित याचिका, एक केस दर्ज करें और उसमें सुप्रीम कोर्ट से अपील करें कि 258 लाख कोटी रुपए जो लूट लिया है हमारे पुढ़ारियों ने और अधिकारियों ने और जो विदेशी बैंकों में जमा हो गया है, इस पैसे को राष्ट्र की संपत्ति घोषित करो। आप बोलेंगे इससे क्या फायदा? जब तक पैसा किसी की व्यक्तिगत संपत्ति होता है वो दुनिया के किसी भी बैंक में जमा होता है, लेकिन जब पैसा राष्ट्र की संपत्ति होता है तो वो राष्ट्र की बैंक में ही जमा हो सकता है। अभी तक ये पैसा पुढ़ारियों की व्यक्तिगत संपत्ति है इसलिए विदेशी बैंकों में है। अगर ये राष्ट्र की संपत्ति हो जाए तो ये सारा पैसा निकल के आएगा, भारत की बैंकों में ही जमा होगा। तो हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे पैसे को नेशनल प्रॉपर्टी डिक्लेयर करे, राष्ट्र की संपत्ति। तो हमने सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए एक मुकदमा दाखिल कराया है, एक केस कराया, पब्लिक इंटरेस्ट पिटीशन। और हमारे इस केस को लड़ रहे हैं एक मशहूर वकील राम जेठमलानी। 6 महीने से ये बहस चल रही है सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को स्वीकार कर लिया है, एडमिट कर लिया है और सरकार को नोटिस दिया है कि स्विस बैंकों में, विदेशी बैंकों में किस किस का कितना पैसा है ये तुरंत बताया जाए सुप्रीम कोर्ट को। अब सरकार को नोटिस मिला है तो सरकार थोड़ी परेशान है क्योंकि जिन लोगों का पैसा है वही सरकार चला रही है, समस्या ये आ गई। तो अब क्या हो रहा है? सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को ये कहा कि हम थोड़े दिन में जवाब देंगे, हमको टाइम दो। सुप्रीम कोर्ट ने 6 महीने का टाइम दिया। 6 महीने बाद फिर सरकार के लोग कहेंगे और थोड़ा टाइम दो, और 6 महीने का टाइम देंगे। 2-3 बार ये होने वाला है। तो हम सुप्रीम कोर्ट को ये कहेंगे कि बार बार टाइम देने से फायदा नहीं है क्योंकि ये बताएंगे नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट पूछेगा फिर क्या करें? तो हम उनसे कहेंगे कि आप तो एक ऑर्डर पास करो कि जिसका भी पैसा है वो भारत की राष्ट्रीय संपत्ति है, वो नेशनल प्रॉपर्टी। और सुप्रीम कोर्ट ये ऑर्डर अगर पास कर दे तो 258 लाख कोटी रुपए भारत में वापस आ जाए। इसके लिए हम मुकदमा लड़ रहे हैं और उम्मीद है कि अगले 3 से 4 साल में इस मुकदमे को हम जीतेंगे और 258 लाख कोटी रुपए वापस आ जाए। राजीव जी आगे चलो, हम तुम्हारे साथ हैं। दूसरा एक रास्ता है इस पैसे को वापस लाने का, वो ये रास्ता है कि अगर भारत की संसद में एक प्रस्ताव लाया जाए और वो प्रस्ताव ये कहे कि भारत में पिछले 63 सालों में जितने घोटाले हुए, जितना पैसा लूटा गया, जितना भ्रष्टाचार हुआ,
और जो पैसा विदेशी बैंकों में चला गया वो भारत की राष्ट्रीय संपत्ति है। संसद में इसका प्रस्ताव आए तो कोई एक सांसद है वो प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा, बाकी सब सांसद उस पर बहस करेंगे। बहस करते समय हम देखेंगे कौन कौन सांसद इसका विरोध कर रहा है, कौन कौन खासदार इसका विरोध कर रहा है। जो एमपी इसका विरोध करेगा पक्की बात है बेईमान नंबर एक वही है, पैसे उसी के। तो सारे देश के बेईमान नेताओं की एक मिनट में सारे देश को पोल खुल जाएगी। अब संसद में दो ही बातें होंगी, या तो बेईमान नेता ज्यादा होंगे, बेईमान पुढ़ारी ज्यादा होंगे तो ये प्रस्ताव गिर जाएगा, और या तो ईमानदार पुढ़ारी ज्यादा होंगे प्रस्ताव पास हो जाएगा। अगर प्रस्ताव पास हुआ तो 258 लाख कोटि रुपए वापस आएगा, और प्रस्ताव गिरा तो हमने एक तीसरा संकल्प लिया कि 2014 में जब देश का चुनाव होगा लोकसभा का, तो भारत के सभी चुनाव क्षेत्रों में हम जाएंगे और लोगों से अपील करेंगे कि कुछ खासदार हमको चुन कर दो, कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमको चुन कर दो जो संसद में इस कानून को बनवाएं और ये कानून बनाकर 258 लाख कोटि रुपए वापस लाएं। हमें उम्मीद है कि हम कुछ सांसदों को अगर मांगेंगे तो देश हमको 543 सांसद चुनकर दे सकता है। एक बार ऐसा हुआ था हमारे देश 1977 में, 1977 में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, परम सम्माननीय जयप्रकाश नारायण जी ने वो आंदोलन किया था। उस आंदोलन में जेपी ने पूरे देश को अपील की थी कि मुझे कुछ सांसद चाहिए जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़े, तो जेपी को भारत के लोगों ने 377 सांसद चुनकर दिए थे, 377, टू थर्ड मेजोरिटी। और जेपी के पास कोई पार्टी नहीं थी और फंड्स भी नहीं थे, पैसे भी नहीं थे, ना पार्टी थी ना फंड्स थे, और 377 सांसद चुनकर आए। आपको हैरानी होगी ये जानकर कि ये खासदार चुनकर पहले आए थे, पार्टी बाद में बनी थी जिसका नाम था जनता पार्टी। पहले 377 खासदार चुनकर गए निर्दलीय, बाद में उन्होंने पार्टी बनाई थी, पक्ष बनाया था जनता पार्टी। तो जेपी के पास पार्टी नहीं थी, फंड्स भी नहीं था, फिर भी लोगों ने 377 सांसद चुन के दिए, तो परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी को क्यों नहीं दे सकते 377 सांसद चुन। मिल सकते। कोई लोग तो हमें ये कहते हैं कि आप 5 करोड़ मेंबर बना दो भारत स्वाभिमान के, 400 खासदार हमारे चुनकर आ जाएंगे देश। 5 करोड़ मेंबर होने का माने है 50 करोड़ लोगों का समर्थन और सहयोग, उसमें 400 खासदार चुन के आए, 400 सांसद चुन के आए। तो हमने ये संकल्प लिया है कि अगर संसद ये प्रस्ताव पास नहीं करेगी अगले 4 साल में, तो 2014 के चुनाव में हम ये करेंगे, खासदारों को जिता कर लाएंगे, सांसदों को जिता कर लाएंगे और प्रस्ताव पारित कराएंगे और इस पैसे को राष्ट्र की संपत्ति बनाएंगे।